सॉरी। तुम हमेशा जल्दी में ही रहती हो। अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए। अच्छा मेरी बात सुनो, रात को मुझे अलिशा घर से पिक कर लेना, ठीक है? बिल्कुल, मेरे पास और कोई काम ही नहीं है, मैं तुम्हें घर से पिक करता रहूं, खाली टाइम नहीं है मेरे पास। बहुत बदतमीज हो तुम, एक खूबसूरत लड़की तुमसे हेल्प मांग रही है और तुम इनकार कर रहे हो। क्या देख रहे हो? खूबसूरत लड़की ढूंढ रहा हूँ, कहाँ है? बहुत मजा आता है मुझे तंग करने में, इसके लिए तुम्हारे पास वक्त ही वक्त है। अच्छा मेरी बात सुनो, रात के 8 बजे मुझे अलिशा के घर से पिक कर ले। बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल पिक नहीं करूंगा आपको, गलतफहमी है आपकी। मैं जानती हूँ कि तुम बुरे हो, लेकिन इतने भी बुरे नहीं, तुम मुझे पिक करने जरूर आओगे। नहीं आओगे? नहीं आओगे। आई नो आओगे। नहीं आऊंगा, बाय। उबैद, उबैद खाना लग गया, आ जाओ। उबैद, एक तो ये लड़का ना कभी कोई बात नहीं सुनता। उबैद, उबैद, उबैद। जी जी अम्मी। कितनी देर से मैं तुम्हें आवाजें दे रही हूँ, तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? भूख भूख नहीं लगती क्या? टाइमिंग कोई है तुम्हारी? 9 बज चुके हैं और तुम बैठे हो। 9 बज गए? अम्मी अगर 9 बज गए तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कमाल करती हैं आप। कहाँ जा रहे हो? वो अंबर मेरा कचूमर बना देगी, 1 घंटा पहले ही लेट हो चुका मैं। अरे खाना ठंडा हो जाएगा, खा के जाओ ना, ऐसे कैसे? अम्मी अगर खा लूंगा, आप लोग खा लीजिए, मैं चलता हूँ। अरे बात तो सुनो, हद होती है इस लड़के की, तो मुझे समझ में नहीं आती, क्या करूँ इसका मैं। अच्छा अब नाराजगी दूर कर लो ना, अब तो घर आ गया। सुनो 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 सुनो, सॉरी, ये देखो ये देखो ये देखो, सॉरी। बहुत लापरवाह तुम, पूरा 1 घंटा वेट करवाया है। आ तो गया ना। अच्छा अगर नहीं आते तो बच जाते मुझसे। हाँ तो मुझे पता था ना, मुझे पता है कि तुम कैसी चुड़ैल हो और मेरा क्या हाल कर। चेंज करके आते हैं। अंबर तुम्हारे साथ आई है? जी। बहुत फारिग हो तुम, और कोई काम नहीं है तुम? ताई अम्मी, मुझे सब कुछ करने का कोई खास शौक नहीं है। आपकी बेटी ने ही कहा था, उसने रिक्वेस्ट की थी मुझसे। वो तो ना समझ है, तुम तो समझदार हो, पूरे 3 साल बड़े हो उससे, तुम्हें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। यूनिवर्सिटी तो तुम्हारी ऑफ हो चुकी है और जिम्मेदारी तुम पर कोई है नहीं, कम से कम तनवीर का ऑफिस ही ज्वाइन कर लो, बिजी तो हो जाओगे। वैसे तुम्हारे बाप ने बहुत सर पर चढ़ा रखा है तुम्हें, हद है। क्या बात है, आज कुछ थके थके से लग रहे हैं, वॉक भी आपने सही तरह नहीं की, खैरियत तो है? अरे कुछ नहीं यार, ऑफिस में आज काम बहुत था, उनके ऑफिस में तो काम बढ़ते ही जा रहा है। तो आप उबैद को अपने साथ ऑफिस में क्यों नहीं लगा लेते? इस तरह वो काम भी सीख जाएगा, और अकेले कब तक आप सारे काम संभालेंगे? अरे नहीं भाई, मैं नहीं चाहता कि उबैद भी मेरी तरह अपनी जिम्मेदारियों में फंस के जिंदगी को एंजॉय ना कर सके। यूँ भी उससे अभी बहुत पढ़ना है, मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा अपनी ज़िंदगी के सारे ख्वाब पूरे करे। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जूस लेना, जूस तो पिए, मेरा सांस काबू में आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है हीरो, ये मुंह पर 12 क्यों बज रहे हैं? सब ठीक तो है? मुझे एक बात बताएं अम्मी, आखिर ये ताई जान का मुझसे प्रॉब्लम क्या है? क्या हुआ? क्या हो गया? भाभी ने फिर कुछ कह दिया? उनके कुछ कहने की जरूरत है, उनका बिहेवियर ही काफी है। मुझसे इतना रूडली बात करती हैं जैसे मैंने उनसे कोई कर्ज ले रखा। भाई वो ऐसा कहती है तो तुम ही याद करो, शायद कभी कोई कर्ज लेकर भूल गए हो तुम। पापा, मुझ पर अभी इतना बुरा टाइम नहीं आया कि मैं उनसे कर्ज लूँ, लेकिन देखें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जरूर, क्योंकि ये आज की बात नहीं है, हमें बचपन से वो इसी तरह से करती आ रही है, कोई बात ज़रूर है। अरे नहीं उबैद, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। भाभी के बात करने का अंदाज ही कुछ ऐसा है, तुम उनकी बातों को दिल पर मत लिया करो। चलो जाके फ्रेश हो जाओ, हम साथ बैठ के खाना खाते हैं। उठो। ठीक है, आता हूं। चाय ले आओ। आ गई। एक तो गैस इतना कम आ रहा था, चाय बनने में देर हो गई। ले, गरम गरम चाय तुम्हें दो। थैंक यू। अच्छा, शाम को जरा जल्दी घर आ जाइएगा। तबस्सुम आपा बता रही थी कि लॉन के बहुत अच्छे प्रिंट्स आए हैं, मुझे शॉपिंग पे तो लेके चलिएगा। नहीं बाबा नहीं, तुम्हारे साथ शॉपिंग पे जाना मेरे बस की बात नहीं। एक तो तुम देर इतना लगाती हो, दूसरे आज शाम को मेरी एक क्लाइंट से मीटिंग भी है, तुम उबैद के साथ चलिए। कितनी गलत बात है बाबा, आपकी वाइफ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, लेकर जाइए ना शॉपिंग पर। आपकी भी अम्मा है, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये औरतों वाले काम नहीं होते मुझसे, तुम ले जाना। मेरी कंबाइंड स्टडीज हैं, मैंने वहाँ पर जाना है। क्यों अम्मी? अच्छा आप दोनों तो रहने ही दें, मुझे भी आप दोनों के साथ शॉपिंग पे नहीं जाना। बिला वजह बहस किए जा रहे हैं, इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि घर में एक बहू लेकर आए, हम सास बहू होंगे तो साथ में शॉपिंग पे जाएंगे, घर के काम निपटाएंगे, लेकिन आप लोगों को तो मेरी फिक्र ही नहीं ना। अरे मैंने कब मना किया है भाई, तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, पूछ लो इससे। अगर इससे कोई लड़की पसंद है तो बता दे, वरना तुम अपनी मर्जी से कोई देख लो। हाँ हीरो, बताओ कोई लड़की पसंद है, अभी भी चांस है तुम्हें। तुम हंस क्यों रहे हो, मजाक थोड़ी कर रही हूँ, वरना मैं शबाना बाजी को कहूंगी उसके पास बहुत सी अच्छी लड़कियों की तस्वीरें, कोई ना कोई लड़की ढूंढ के तुम्हारी शादी करवा दूंगी। हैं? एक दो मेरे लिए भी जरा। मैं उबैद की बात कर रही हूँ, ये आपके दिल में क्यों लड्डू फूट रहे हैं? अच्छा भाई तुम भी बता दो को पसंद है तो। जी पसंद है। क्या? तो फिर बताओ। अल्लाह चाचू चाची। अरे तुम नाश्ता तो करके जाओ। नहीं चाची, मैंने सुबह नाश्ता कर लिया था, अम्मी ने मुझे पराठा बना कर दिया था, मैं बस जा रही हूँ, मेरी बहन आ गई है। खुदाफिज़। ख्याल से बेटा, अल्लाह की हिफाजत। बात तो वहीं रह गई, बताओ कौन है लड़की? यही चुड़ैल है जो मुझे पसंद है। क्या ये अंबर? अंबर आ जाएं। क्या कर रही है भाभी? मेडिसिन ढूंढ रही थी, लग रहा है बुखार हो रहा है। ओ आए बैठे, सब खैरियत है? हाँ वो अभी थोड़ी देर पहले तबस्सुम आपा का फोन आया था, वो तो आपसे सख्त नाराज है, क्या हुआ है? तबस्सुम आपा तो हमेशा मुझसे नाराज रहते हैं, उनको मुझसे यही गिला है कि मैं उनके घर नहीं जाती। तुम तो जानती हो सायरा, कितनी मसरूफ लाइफ है हमारी, वक्त ही कहाँ मिलता है। हाँ भाभी ये तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। अब देखिए ना बच्चे हमारे देखते ही देखते बड़े हो गए माशाल्लाह, और पता भी नहीं चला। इंशाल्लाह अगले साल तक अंबर की ग्रेजुएशन भी कम्प्लीट हो जाएगी। आपने क्या सोचा है अंबर के बारे में? सायरा सोचना क्या है, बेटी की माँ हूँ, अब तो हर वक्त मुझे अंबर की शादी की फिक्र लगी रहती है। ऐमन और अंबर एक ही उम्र की हैं, महरीन ने ऐमन का निकाह भी कर दिया, माशाल्लाह से अगले साल उसकी रुखसती भी हो जाएगी। सायरा बेटियाँ जितनी जल्दी अपने घर की हो जाएं उतना ही अच्छा होता है। भाभी मैं यही बात करने आपके पास आई हूँ, देखिए ना इंशाल्लाह अगले साल तक उबैद की पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी और जॉब भी उसे मिल जाएगी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उबैद के लिए अंबर का रिश्ता। सायरा ये तुमने सोच भी कैसे लिया? उबैद के बारे में सब कुछ जानते बूझते हुए तुम मेरी बेटी का उसके लिए रिश्ता मांगने आ गई? भाभी, उबैद मेरा बेटा है, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। वो बहुत ही अच्छा बच्चा है, हर रिश्ते में मुखलिस है, सबकी इज्जत करता है। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि वो जिंदगी में कभी अंबर को कोई तकलीफ नहीं देगा, हमेशा उसे खुश रखेगा। बस सायरा, बस, मैंने जो कहना था मैं कह चुकी। मजीद किसी वजाहत की जरूरत नहीं है। सायरा, मुझे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा है, बेहतर यही होगा कि मेरे कमरे से चली जाओ। आपके अच्छा नहीं करेंगे अम्मी। ये बड़ों की बात है, तुम बीच में ना बोलो तो ज्यादा बेहतर है, समझी? आप ज्यादती कर रही हैं अम्मी। मैं उबैद को पसंद करती हूँ। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ, मैं उबैद को बचपन से पसंद करती हूँ और मैं उसके अलावा किसी और से शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। ये बात मुंह से निकाली तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा, उबैद का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। तुम्हारी शादी वहीं करूंगी जहां मैं बेहतर समझूंगी। आंसू छुपा रही हो? मुझे अंदाजा था कि तुम्हारी क्या हालत हो रही होगी। अंबर, मैं जानता हूं कि तुम मुझे पसंद करती हो। मैंने इसीलिए अम्मी से कहा था कि ताईजान से बात करें, लेकिन उन्होंने। अंबर, मुझे बताओ, क्या तुम्हें पता है कि ताईजान ने क्यों मना किया? मैं नहीं जानती कि अम्मी ने इनकार क्यों किया। अच्छा, रोहो तो मत। तुम जानती तो मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। प्लीज मत रो। उबैद, मैंने फैसला कर लिया, मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। अच्छा, रोना बंद करो। देखो, मुझे तो अब तक लगता था कि तुम मुझे सिर्फ पसंद करती हो, मुझे अंदाजा ही नहीं था कि तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें पाकर ही रहूं। तुम वाकई अम्मी को मना लोगे? हाँ, तुम्हारी आंखों में आंसू मेरी वजह से आए तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट भी मैं ही बिखेरूं। मेरी मोहब्बत कोई टूटता हुआ तारा नहीं, जगमगाता सूरज। और तुम्हें पाने के लिए अगर जुदाई जान के पैर भी पड़ना पड़े तो मैं जरूर पड़ूंगा। सुहरा, मेरे लिए एक कप चाय लाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सुन रही हूँ, बोलो। आप जानती है ना कि अंबर, मैं अपनी बेटी का नाम तुम्हारे मुंह से नहीं सुना। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम क्या बात करने आए हो मुझसे। जब मैं सायरा को इनकार कर चुकी हूँ तो फिर उसने तुम्हें मेरे पास क्यों भेज दिया? नहीं, अम्मी ने मुझे नहीं भेजा, मैं यहाँ पर खुद आ गया। जा, मेरे बारे में नहीं, अपनी बेटी के बारे में तो सोचे ना। उसका रो रो कर बुरा हाल है, आप क्यों नहीं समझ रही? ये उसका जज्बाती फैसला, बचपना है उसका। तुम उसकी फिक्र मत करो। लेकिन ताईजान, कोई तो वजह होगी ना, मुझे प्लीज वजह बता दो। वजह बताना मैं तुम्हें जरूरी नहीं समझती। अब तुम मेरा रास्ता रोकोगे? नहीं, मैं आपका रास्ता नहीं रोक रहा था। I'm sorry। भाईजान, मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ, पूछ भी क्या रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आखिर क्या वजह है, आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है? उबैद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अम्मी। सायरा, मैं इसे अब मजीद यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्लीज इसे कहो अभी इसी वक्त यहाँ से चला जाए। चलो चलो मेरे साथ। मैं अपने सवालों के जवाब दिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब चाहिए? पूछो सायरा से। सायरा, बताओ इसे, मैं क्या खानदान का कोई भी इज्जतदार शख्स अपनी बेटी का रिश्ता इसे देना पसंद करेगा? भाभी, हमें बस चुप हो जाए, आगे एक लफ्ज मत बोलिएगा। आप जाए यहाँ से, मैं इसे समझाती हूँ। सायरा, मैंने तुम्हें कहा था तुम्हें कि इसको मेरी बेटी से दूर रखना, लेकिन नहीं, असल में गलती मेरी है। मुझे अपनी बेटी को उसी वक्त यहाँ से लेकर चले जाना चाहिए था जब तुम लोग इसे कचरे से। भाभी, भाभी खुदा के वास्ते चुप हो जाइए, आगे एक लफ्ज मत बोलिएगा। जो होना था वो हो गया, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, चुप हो जाइए। आईना दिखा रही हूँ तो बुरा लग रहा है? आप मेरी अम्मी से किस तरह से बात कर रही हैं? जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। और तुमने क्या अम्मी अम्मी लगा रखी है? ये कोई तुम्हारी अम्मी नहीं है, ये लोग तुम्हें यतीम खाने से उठाकर लाए थे। इसको मेरी बेटी से दूर रखना, लेकिन नहीं, असल में गलती मेरी है। मुझे अपनी बेटी को उसी वक्त यहाँ से लेकर चले जाना चाहिए था जब तुम लोग इसे कचरे से। और तुमने क्या अम्मी अम्मी लगा रखी है? ये कोई तुम्हारी अम्मी नहीं है, ये लोग तुम्हें यतीम खाने से उठाकर लाए थे। हमसे तुम्हें वाकई लगता है कि हम तुम्हारे माँ बाप नहीं? हाँ, ये सच है कि मैंने तुम्हें अपनी कोख से पैदा नहीं किया, लेकिन एक सच और भी है, जब से तुम हमारी जिंदगी में आए हो ने कभी ये महसूस नहीं किया कि हम बेऔलाद हैं। अगर कोई औरत बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो क्या वो माँ नहीं होती? वो भी माँ होती है, उसके दिल में भी माँ की ममता होती है। अल्लाह ताला ने एक औरत के दिल में अपनी ले पालक औलाद के लिए भी वही मोहब्बत रखी है जो वो अपने जने हुए बच्चे से करती है। उस बच्चे के लिए अपनी रातों की नींदें बर्बाद करती है, अपने को बर्बाद करती है, उसकी खुशियों में अपनी खुशी देखती है, उसके लिए जीती है, उसके लिए मरती है। तो फिर लोग ये सवाल क्यों करते हैं कि वो माँ नहीं है? क्यों? नहीं, मैं नहीं जानता आप लोग मुझे कहाँ से उठा कर लाए, लेकिन मेरी माँ आप ही है। आपने मुझे पैदा किया या नहीं किया, लेकिन अपनी जिंदगी आपने दी है मुझे, वरना मैं तो कचरे के ढेर पर मर गया होता। मत करो ऐसी बातें, मत करो। तुम तो हमारी जिंदगी हो, हमारे जीने का सहारा हो। मैं जानता हूँ, लेकिन इसमें भी खुदा की कोई तो मसलहत है। बेटा, तुम्हें एक बात का यकीन होना चाहिए कि हम दोनों अपनी जात से ज्यादा तुमसे मोहब्बत करते हैं। मैं जानता हूँ बाबा, मैं वाकई बहुत खुश नसीब हूँ कि आप दोनों मेरे माँ बाप। क्या कर रही है इस वक्त यहाँ पर? उबैद, चलो हम कहीं भाग चलते हैं और निकाह कर लेते हैं, फिर हमारा कोई कुछ नहीं कर सकेगा। और अगर किसी को पता भी चल गया तो निकाह के बाद हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। चलो कहीं बहुत दूर चलते हैं। तुम होश में तो हो? पागल तो नहीं हो गई हो? क्या कह रही हो ये? मैं बिल्कुल होश में हूँ और बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। तुम जानते हो कि अम्मी हमारी शादी कभी नहीं होने देंगी। और पैसों की फिक्र मत करो, अम्मी ने मेरे लिए जो भी जेवर बनाया था मैंने वो सब रख लिया है। अंबर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो ये सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। तुम हिम्मत तो करो, कुछ भी मुश्किल नहीं होता। और घर पे सब सो रहे हैं, उबैद बहुत अच्छा मौका है, चलो हम कहीं बहुत दूर भाग चलते हैं। देखो, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मैं ये नहीं चाहता कि तुम बदनाम हो जाओ या ताई जान को लोग बातें सुनाएं। तुम अब भी उनके बारे में सोच रहे हो जिन्होंने तुम्हें दुख दिया? हाँ, मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे वालिदैन की तरबियत पर उंगली उठाए। देखो अंबर, हम अपनी खुदगर्जी के चक्कर में अपने वालिदैन को दुख तो नहीं पहुंचा सकते ना। तो ठीक है, तुम सुकून से यहाँ बैठो, और जब अम्मी मेरी किसी और से शादी कर दे तो फिर बैठकर अपनी मोहब्बत का तमाशा देखना। अंबर प्लीज यार, देखो अम्मी बात कर रही है ना, ताई अम्मी से कुछ ना कुछ हल निकल आएगा, प्लीज। तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो कि अम्मी इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगी। मैं जा रही हूँ। अंबर, मेरी बेटी को वरगला रहा है तनवीर, मेरी मासूम भोली भाली बच्ची को मेरे खिलाफ कर रहा है। भाभी आप गलत कह रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। तुम्हें क्या पता, कल रात वो मेरी बेटी को बहकाकर इस घर से भगाकर लेकर जाने वाला था। वो तो खुदा का शुक्र है कि ऐन वक्त पर मैं आ गई, वरना तुम्हारे बेटे की वजह से आज मेरी इज्जत नीलाम हो चुकी होती। बस भाभी बस, बहुत हो गया। और कितने इल्जामात लगाएंगी मेरे बेटे पर? आखिर क्या कसूर है उसका? उसने यही गलती की है ना कि आपकी बेटी से मोहब्बत की है, बस उसी की सजा दे रही हैं आप उसे। तनवीर, ये तो बेटे की ममता में अंधी हो चुकी है, इसकी समझ में कुछ नहीं आएगा। तनवीर तुम तो मेरी बात को समझो। उबैद तुम्हारा सगा खून नहीं है, अंबर तुम्हारे भाई की बेटी है, तुम्हारी भतीजी है, तुम्हारा अपना खून है, उसकी इज्जत का तो ख्याल कर लो। अभी मेरा किससे क्या रिश्ता है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, आपको जताने की जरूरत नहीं। ये तो समझ में नहीं आ रहा कि आप चाहती क्या? मैं ये चाहती हूँ कि उबैद को इस घर से निकाल दो। जितनी नेकी तुम दोनों ने कमानी थी कमा ली, एक यतीम बच्चे को यतीम खाने से उठाकर पाल पोसकर बड़ा कर दिया, तालीम दिलवा दी, उसको उसके पाँव पर खड़ा कर दिया, इससे ज्यादा और क्या करोगे? मैं उबैद को अब इस घर में एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अभी उबैद मेरा बेटा है, हमारा बेटा है। आपके मुंह से ये बात निकली कैसे? शर्म आनी चाहिए। ये सुनना बाकी रह गया था, बड़े भाई की बेवा के साथ इस लहजे में बात करोगे तुम? इतनी बेइज्जती! या अल्लाह, ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? अंबर के काश मुझे भी साथ ही ले जाते। मैं आपकी तस्लील नहीं कर रहा हूँ, कोई इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सोच भी नहीं सकता आपकी इंसल्ट करने के बारे में। सोच नहीं सकते, लेकिन इंसल्ट कर तो दी। आज ये जमीन फट जाए और मैं समा जाऊं इसमें। ठीक है भाभी। आप यही चाहती हैं ना कि उबैद इस घर से चला जाए? चला जाएगा, लेकिन फिर हम दोनों भी उसके साथ ही जाएंगे। हम अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकते। इस घर में मेरा जो हिस्सा बनता है वो आप हमें दे दीजिए, हम ये घर छोड़ रहे हैं। बेटा तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। ज़ुहैब बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ख्याल रखेगा तुम्हारा। शादी के फौरन बाद देखना वो तुम्हें ऑस्ट्रेलिया ले जाएगा। वहां जाकर मेरी बेटी ऐश करेगी, ऐश। फिर तुम सोचोगी कि मेरी माँ ने जो फैसला किया था मेरे लिए अच्छा किया था। बेटा ना सास का झंझट ना नंद का झंझट, ऐसे रिश्तों के लिए तो लड़कियां ख्वाहिश करती हैं। मेरी बेटी तो बहुत खुशकिस्मत है, बगैर मांगे सब मिल गया। जल्दी से तैयार हो जाओ, मेहमान आते ही होंगे। सोहेब, हम ऑस्ट्रेलिया कब जाएंगे? आपने तो कहा था कि हम शादी के फौरन बाद ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन अब तो इतने दिन गुजर गए, हम यहीं हैं। हाँ, तो मैंने तुम्हारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हुए हैं। रोज़ाना मैं एजेंट को कॉल करके अपडेट भी लेता रहता हूँ। असल में ये काम थोड़े मुश्किल होते हैं, वक्त लग जाता है। तो मैं जब भी आपसे पूछती हूँ आप मुझे यही जवाब देते हैं। तो मेरी जान, मैं तुमसे और क्या कहूँ, तुम भी तो बार बार एक ही सवाल करती रहती हो। अच्छा, वो मैं ये सोच रहा था, तुम्हारी मामा ने जो तुम्हें गोल्ड सेट दिया है वो काफी हल्का है, क्यों ना मैं उसे सेल करके एक भारी सा गोल्ड सेट ले लूँ तुम्हारे लिए? सोहेब, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और आपको तो पता ही है मुझे गोल्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे, यही चीजें तो आगे काम आती हैं। वो कहते हैं ना, माँ का जो जेवर होता है वो औलाद के काम आता है। अब हमें अपने बच्चों के बारे में भी तो सोचना है कि नहीं? वो सेट है कहाँ, लेके आओ। आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ। मैं कब से आपसे पूछ रही हूँ कि मेरा गोल्ड सेट कहाँ है? आपने कहा था एक हफ्ते में बनकर आ जाएगा। सुहेब, एक महीना हो चुका है, कहाँ है मेरा सेट? बन जाएगा यार, टेंशन क्यों ले रही हो? टेंशन तो होगी ना, आपने मेरा गोल्ड सेट बेच दिया और कहा था दूसरा आ जाएगा, लेकिन अब तक नहीं आया। सुहेब, आखिर चल क्या रहा है? आप किसी ना किसी बहाने घर की एक एक चीज बेच रहे हैं। आप देखो, मैं बाहर से थका हुआ आया हूँ, मेरा दिमाग खराब मत करो। ज़ुहैब, मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। तुम क्या कहना चाह रही हो? मैं तुम्हारी चीजें बेच के खा गया तो ठीक है, यही सुन लो। वाह, एक तो गलती करे और ऊपर से गुस्सा भी। तो ठीक है ना, तो क्यों रह रही हो मेरे साथ? दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे भी ये रोज रोज की चिकचिक पसंद नहीं है। जब से तुमसे शादी की है मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। जिंदगी आपकी नहीं, जिंदगी मेरी बर्बाद हुई है। तो मैं आज आजाद करता हूँ तुम्हें। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। जब तक मैं वापस आऊँ चली जाना यहाँ से। बेटा मुझे क्या मालूम सुहेब इतना लालची मकार इंसान निकलेगा। मैं तो खुद हैरान हूँ उसने कैसे चिकनी चुपड़ी बातों से मुझे शीशे में उतार लिया। मेरी भी मत मारी गई थी जो उसकी बातों में आ गई और अपनी बेटी की शादी उससे करवा दी। क्या मेरे मालिक, कितनी बड़ी भूल हो गई मुझसे, कितनी बड़ी गलती कर बैठी हूँ। नहीं अम्मी, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती उबैद को हकीर समझना। क्या कुछ नहीं कहा आपने उसे। किस कदर दिल दुखाया चाचा और चाची का। शायद ये आपकी बदौम का नतीजा है जब सारी जिंदगी आप भुगतेंगी। शायद इसी को मकाफाते अमल कहते हैं। कौन है? कौन है? कौन हो तुम? फरीदा बेबी, अभी तक आपने ये मकान खाली नहीं किया। मकान खाली? दिमाग ठीक है आपका? ये मेरा घर है, मैं क्यों खाली करूंगी? और आप हैं कौन? मेरी स्टेट एजेंसी इसी महल्ले में है और आपके दामाद ने ये मकान शेख साहब को सेल कर दिया है। मुझे लगता है वाकई आपका दिमाग खराब है। मेरा कोई दामाद नहीं है। बीबी, ज़ुहैब आपका दामाद है ना? 2 महीने पहले उसने ये घर मेरे बॉस को सेल आउट किया है। प्रॉपर कागजात हैं इसके हमारे पास। आप बस यहाँ साइन कर। और उन्होंने कहा था कि 2 महीने के अंदर ये घर खाली कर देंगी आप, लेकिन मुझे लगता है कि ये घर खाली करने का आपका इरादा ही नहीं है। देखें बीबी, मैं एक शरीफ आदमी हूं और आप एक खातून है और इसीलिए मैं आपकी इज्जत कर रहा हूं। अगर आपकी जगह कोई मर्द इस तरह मुझसे बात कर रहा होता तो मैं इसी वक्त घर से निकाल देता। देखें बीबी, सीधी सी बात है, आपको 2 महीने का वक्त दिया था और वो वक्त पूरा हो चुका है। लिहाजा आप मेहरबानी करके ये मकान खाली कर दें। शोएब साहब की फैमिली को यहाँ शिफ्ट होना है। कल शाम तक की मोहलत है आपके पास। कल शाम को मुझे इस घर की चाबी चाहिए, वरना मकान कैसे खाली करवाते हैं ये मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। 1 दिन, सिर्फ 1 दिन की मोहलत है आपके पास, समझ गई? चलिए। तेरा बेड़ा गर्क हो ज़ुहैब, तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। खुदा करे तुझे जिंदगी में कभी कहीं सुकून नसीब ना हो। जैसे तूने मुझे बर्बाद किया खुदा तुझे भी बर्बाद करे, तुझे भी बर्बाद करे। अंबर, 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 तुमने सुना? ज़ुहैब बेगैरत ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, तबाह बर्बाद कर दिया हमें। हम माँ बेटियाँ कहाँ जाएंगी, कहाँ जाएंगी हम दोनों? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा करते हैं, हम सायरा की तरफ चलते हैं। मैं हाथ जोड़ के उससे माफी मांग लूंगी, उबैद से भी माफी मांग लूंगी, वो मुझे दोनों माफ कर देंगे। मैंने उनके साथ बहुत ज्यादतियाँ की, मैं सारी ज्यादतियों की, सारी बातों की माफी मांग लूंगी। अंबर, तुम जैसे कहोगी मैं वैसे करूंगी। अंबर मैं माँ हूँ तुम्हारी, बोलो ना अंबर, मेरी बात का जवाब दो। देखो जो तुम्हारे दिल में आता है ना तुम भी बोल दो मुझे, मैं तुम्हारी भी गुनाहगार हूँ। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांगती हूँ अंबर, जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है, सबकी जिम्मेदार मैं हूँ, सारी कोताहियाँ मेरी है, ये सब मेरे गरूर की वजह से हुआ है। मैंने उबैद के साथ बहुत ज्यादती की, उसे बहुत धुतकारा। मुझे माफ कर दो अंबर, अपनी माँ को माफ कर देना। देख मेरी तरफ देख अंबर, तुम्हारी माँ तुम्हारे आगे हाथ बांध कर खड़ी है अंबर, माफ कर दे मुझे। अंबर, अंबर तुम बोल क्यों नहीं रही हो? अंबर, अंबर, अंबर क्या हुआ है? I'm not going to do this.